बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज। बिहार के गोपालगंज से देश में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने नगर थाने में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थाने में दिए गए आवेदन में उन्होंने आरोपी पर नामांकन रद्द होने की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। मोहन गुप्ता ने भाजपा एआईएमआईएम और बीएसपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सन्नी सिंह, विकास, अर्जुन सिंह, अरमान खान, विशाल सिंह, प्रेम रवि, रोशन कुमार, टाइगर यादव, गुड्डू कुमार, अनस सलाम, राजन और अभय यादव नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में आज वोटिंग के दौरान राजद प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने की अफवाह उड़ाई गई थी। सोशल मीडिया में पटना हाईकोर्ट का हवाला देकर अफवाह फैलाई गई थी। हालांकि गोपालगंज डीएम की ओर से कहा गया था कि कोर्ट से नामांकन रद्द होने की कोई जानकारी नहीं है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ऐसा मामला सामने आने के बाद डीएम ने भी कहा था कि अफवाह उड़ाने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के नामांकन को रद्द करने को लेकर रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में मोहन गुप्ता को नामांकन में गलत जानकारी देने के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले पर आज सुनवाई की जानी थी, लेकिन अब इस पर कल यानी 4 नवंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी आएगा आपके समक्ष हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों और बिहार से जुड़ी सारी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए लाइव टेन न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर करें जरूर।